हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है एंड मंथली एक्सपायरी अब बहुत ज़्यादा अच्छी गई है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गई है। हम लोगों ने ऑटोमेटिकली जब मार्केट के अंदर थे, तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर होंगे तो वहाँ पर मैं अपडेट्स देते रहता था थ्रू वॉइस नोट्स की कैसे ओपन इंटरेस्ट का डाटा हर स्ट्राइक प्राइस में चेंज हो रहा है, कौन सा कॉल का ओआई चेंज हो रहा है और पुट का ओआई कैसे चेंज हो रहा है। हर आधे घंटे का टाइम फ्रेम का मैं आप लोगों को अपडेट्स दे रहा था एंड वहाँ पे एग्जैक्टली वैसे सपोर्ट्स लिए, एग्जैक्टली वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा और हम लोगों ने कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बुक करे। मेरे पास मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स भी आए थे। सो एक्सपायरी तो बहुत अच्छी रही है, 16,800 का बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है एंड जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग नीचे के लेवल्स नहीं एक्सपेक्ट करने वाले। बट अगर वो होता भी है तो 16,640-650 तक के टारगेट्स हमें इजिली देखने को मिल सकते हैं विद इन अ डे और टू। सो ज़्यादा अब आगे की बात नहीं करते, एक बार टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। ओपन इंटरेस्ट का डाटा मैं आज नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आज ही एक्सपायरी हुई है तो ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। कल बनेंगी नई पोजिशंस तो कल हम लोग स्टडी करेंगे मंडे के लिए, ठीक है। सो कल के लिए मैंने कुछ 3 स्टॉक्स अच्छे वाले सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। आई होप अगर आप उस पर ट्रेड लेंगे तो शायद कल मॉर्निंग में उठते ही, मतलब 9:15 जैसी मार्केट ओपन होगी, वो स्पाइक कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर मार्केट स्टेबल खुलती है तो उनको जरूर वॉच करना, वो अच्छे रिजल्ट्स जरूर दे सकते हैं। सो अभी तक तो बिल्कुल अच्छा जा रहा है। मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो बिकॉज वहां पे मैं अपडेट्स दे रहा हूँ वहां पर और आप लोगों को प्रॉफिट्स हो सकते हैं। एंड एक बहुत बढ़िया अलर्ट भी आने वाला है, एक बहुत बढ़िया मैसेज के साथ मैं आने वाला हूँ आप लोगों के सामने जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और सिर्फ आपको मेरे साथ काम करना है, मदद करनी है और मैं आप लोगों को टीच करूँगा। नॉट डैट इन टर्म्स ऑफ मदद, मतलब मैं आप लोगों को कुछ भी प्रोवाइड करवाऊँ तो आप लोग उसे अच्छे से समझो, उसे इंप्लीमेंट करो। दैट्स वॉट आई नीड फ्रॉम यू ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ, देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं, कैसी मार्केट रह सकती है। ओके, सो हम लोग अपने चार्ट सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड अगर आप चेक करोगे आफ्टर अ कंटिन्यूस फॉल अ पुल बैक एंड अगेन जो कंटिन्यू रैली इसने दी है ऑन अ डाउन साइड, यहाँ पे लगातार 2 दिन तक इसने एक रेंज बाउंड सेशन रखा एंड आफ्टर दैट एक ब्रेक डाउन करा। उसके बाद इसने दोबारा 1-2 दिन तक रेंज बाउंड सेशन रखा। अब देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगेन ये एक गैप डाउन या नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डाटा जो 6 अक्टूबर का है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी जो अगले हफ्ते होगी एक्सपायरी, उसका जो डाटा है वहाँ पे हमें क्लियरली शो कर रहा है कि 16,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। बट वहाँ पर आसपास में कॉल राइटर्स भी एक्टिव हो रहे हैं, आज भी 10,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स 16,800 के कॉल में ऐड हुए हैं। सो मेरे हिसाब से जो जजमेंट हमें निकल के आ रही है, अगर आप ये चेक करोगे कि ये गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, आई पर्सनली थिंक ये फुलफिल होने के ज़्यादा चांसेस हैं एंड 16,670 से लेके 16,640 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 16,780 का लेवल ब्रेक होता है, वो आधा घंटा सस्टेन करता है। अब यहाँ पर आधा घंटा में मैं ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, तो एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपने ये जोन तो बार बार देखे होंगे, जब भी एक जोन के अंदर करता था एक बियरिश ब्रेकडाउन आता था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड आफ्टर दैट एक रिकवरी आती थी। अगेन यहाँ पर एक 15 मिनट का ब्रेकडाउन आता था एंड अगेन एक रैली आती थी और वो दोबारा नीचे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होती थी। बट मेजर ऑफ द लोगों के रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते क्योंकि यहाँ पर वो एक ब्रेकडाउन क्लियर इंडिकेशन देखते थे एंड वहाँ पर वो लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाते थे। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी इंडिकेट हुआ बट आफ्टर दैट हम लोगों ने आज एक गैप अप ओपनिंग देखी। तो ये सेम मिस्टेक हमें दोबारा नहीं करनी है। तो जब भी ब्रेकडाउन होगा, अब हमने इस जोन को ये वाला सपोर्ट मान लिया है, ठीक है, मैं इसको और नीचे कर देता हूं, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, इसको मैं यहां कर रहा हूं जो कि 16,780 का है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, आधा घंटा इसके नीचे सस्टेन करता है, 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है और हमें लगता है कि वो कैंडल या बियरिश है, क्लियर सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी और क्लियर शॉर्ट है फॉर अ टारगेट ऑफ 16,680-16,650 का टारगेट, ठीक है। अदरवाइज हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे और अगर यहाँ से कल ये एक अपमूव देना स्टार्ट करता है, कोई गैप अप नहीं होता, मतलब 20-30 रुपए का गैप अप तक तो ठीक है, बट अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास खुलता है या 16,870 के आसपास खुलता है तो हम क्लियरली अगर ऊपर जाने की स्टार्टिंग पॉइंट आता और हमें शुरुआत के आधे घंटे में 9:30 तक तो हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले, 9:30 के बाद अगर हमें ऑप्शन डाटा में देखने को मिलता है कि जल्दी जल्दी पुट राइटर्स एडिशन लेने हैं, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को हल्के हल्के अनवाइंड कर रहे हैं, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 17,000
40 to 17,100 rupees का। सो ये पूरा हम लोग कल ही टेस्ट करेंगे 9:30 के बाद क्या सिनेरियो होगा। पहले हम लोग से प्रोबेबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, चार्ट्स को चेक कर रहे हैं। अभी से हम लोग रिज्यूम करने नहीं लग जाएंगे कि ब्रेकडाउन आएगा या एक ब्रेकआउट आएगा। जो हमारे सामने एट द प्रेजेंट मूवमेंट में चल रहा होगा, हम उसको और ऑप्शन के डाटा को देख के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था ऑन अ 3 मिनट्स टाइम फ्रेम था, बहुत जल्दी वाला ट्रेड था। एंड ये एक जोन था, एक डाउन ट्रेंड चैनल था, उसके बाद एक एक्यूमुलेशन जोन में गया, क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस लेवल। वी बाय 37,600 का आई थिंक कॉल ऑप्शन बाय करा था 140 पे एंड 250 के प्रीमियम पे हम लोगों ने उसे एग्जिट करा था। और यही मैंने आपको टारगेट भी बताया था, अगर आप मेरे वॉइस नोट्स को स्टडी करोगे, कि 37,800 पे निकल जाना है, क्योंकि वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा। और एग्जैक्टली उसने वैसा नहीं करा। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, बट इस पर इंट्राडे में एक मूवमेंट मिल जाती है, जब वो स्पाइक लेने की कोशिश करता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाती है। मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे आप स्टडी करिएगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी ने क्या करा था, दोनों इनसाइड कैंडल्स थी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ब्रेकडाउन आता था। यहाँ पे अलग सिनेरियो है, यहाँ पे एक कैंडल थी एंड नेक्स्ट कैंडल इस तरीके की बनती है, एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगेन यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना है, ठीक है, एंड अगेन ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। तो हमें ये पूरी अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है। सो 9:30 पे या मार्केट कल क्लोज होगी तो वीकेंड में जो स्ट्रक्चर बनेगा ना ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, हमें वहाँ पर और ज़्यादा पता चल जाएगा हमें कैसे ट्रेड करना है। तो लेट्स फोकस ऑन स्टॉक्स फॉर टुमारो, और अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है लेट यू नो ऑन टेलीग्राम चैनल। सो पहले बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो जेके पेपर मेरा सबसे पहला स्टॉक है एंड लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर यू ऑल, ठीक है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप क्लियरली देख सकते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस, ठीक है। यहाँ पर इसने 50%, यहाँ पर इसने 61% एंड यहाँ पर इसने 50% रिट्रेसमेंट पे पॉज लिया है। अपने प्रीवियस हाई जब भी उसको ब्रेकआउट देता था एग्जैक्टली उसी लेवल को टेस्ट करता था एंड गिव अ न्यू हाई, इट मेक्स न्यू हाई, ठीक है। एग्जैक्टली इसने अभी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट करा है और यहाँ से बाउंस करा है आज लास्ट आर के अंदर। लेट मी जस्ट शो यू ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ये बाउंस करा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर एक बढ़िया सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। द वॉल्यूम्स रोज अप, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये एक जोन के अंदर कंसोलिडेटेड था, इज आफ्टर अ फॉल यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है। आप देख सकते हो वॉल्यूम्स किस तेजी से इस छोटे से रेंज के अंदर बढ़ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है एंड इट गेव अ ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है कल, अगर कोई गैप डाउन इस पे नहीं देखने को मिलता, जैसी मार्केट ओपन होती है इसी लेवल पे होता है या थोड़ा ऊपर होता है, तो अपनी एक बाइंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर मैं यूज करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स अ रेंज। मैं जो प्रोबेबली टारगेट एज्यूम करके चल रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे, अगर इसी लेवल पे खुलता है तो हम लोग 380 के टारगेट्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आई पर्सनली थिंक यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेकर चल सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, हमारा 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस होगा एंड हमें टारगेट्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। 1:3, 1:4 तक का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जा सकता है और उसको भी एक्सीड कर सकता है। सो आई थिंक ये छोटा सा रिस्क हम लोग इस पे एज एन शॉर्ट टर्म ट्रेड लेकर चल सकते हैं। अ नेक्स्ट स्टॉक इज कोल इंडिया। सो कोल इंडिया, लेट मी ओपन इट। या सो कोल इंडिया के अंदर हो ना वीकली टाइम फ्रेम मैं दिखाना चाहूंगा दोबारा। यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा पॉज लिया है, आप देख सकते हो आफ्टर फॉलिंग, कब इसने फॉल करा था, इसने फॉल करा था अराउंड यस 2015, मैं बात कर रहा हूँ 2015 पे ये 210 रुपीज के लेवल के नीचे गया था एंड आफ्टर दैट 2015 के बाद 2022 में 7 साल के बाद जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस लेवल का एंड वहां से उसने ऑलमोस्ट 237 के लेवल्स टेस्ट करे थे। अब उस लेवल को इसने आज रीटेस्ट करा है, सो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ हायर चांस कि यहां से हम लोग एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक कॉशियस है जो हमें याद रखना है। देख सकते हैं इसने जब ये एक कंटिन्यूस फॉल करी है और ये जो कैंडल स्ट्रक्चर का मूवमेंट दिया है और ये वॉल्यूम्स का अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो देयर इज वन पॉसिबल सिनेरियो जो चीज वर्क कर सकती है और वहां पर हमें ट्रैप नहीं होना, ठीक है। कल अगर इसी लेवल पे ओपन होता है शुरुआत के 15 मिनट पे इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, शुरुआत के 5-10 मिनट तक तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, वॉच करेंगे अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के बेसिस पे 5 मिनट के अंदर अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है अपने करेंट लेवल जो इसका क्लोजिंग प्राइस है उससे नीचे जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज ये एक बियरिश कैंडल इतनी बड़ी भी बना सकता है, ठीक है। देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी अगर हम एक साइकोलॉजी बेसिस पे समझे, नॉट अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स पैटर्न और बिहेवियर
और वॉल्यूम एनालिसिस, बट एक सिंगल बिग इंस्टीट्यूशंस को मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, नॉट इन द टर्म्स ऑफ फॉलो करता हूँ, बट उनके बिहेवियर को चार्ट के अंदर समझता हूँ। और अगर वो जिस तरीके से सोच रहे होंगे, जिस तरीके से मैं, मेरे को लगता है कि वो प्लान कर सकते हैं, तो अगर शुरुआत के कुछ मिनटों में अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करता है, देन इट्स अ क्लियर अपॉर्चुनिटी कि ये इस ब्लैक वाली लाइन मतलब 206 के लेवल तक भी आ सकता है। ठीक है, क्या होगा जब वहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनना स्टार्ट होंगी, बिकॉज यहाँ पर थोड़े बहुत लोगों ने या न्यू बायर्स एंटर करे होंगे ये छोटा सा सपोर्ट देख के, यार ये तो 7 साल का सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होगा, बट यहीं पर ही बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हम लोगों को ट्रैप करते हैं। सो रिमेंबर दैट, अगर स्टार्टिंग 10-15 मिनट में नीचे जाना स्टार्ट करता है, इग्नोर दिस स्टॉक, बट जब इसकी क्लोजिंग होगी, अगर इसकी क्लोजिंग फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे हो गई, हमें तुरंत वहां पे बाय कर लेना है एज अ बीटीएसटी ट्रेड, बिकॉज विद इन 2 to 3 days इसके अंदर ऐसी रिकवरी आएगी कि ये 215 to 220 तक भी जा सकता है। सो मेक श्योर कि वो जो फॉल आएगी, उस फॉल को हमें बाय के लिए पकड़ना है। इन दी टर्म्स हमारा जो इस पर पर्सपेक्टिव है वो बाय के लिए, लॉन्ग के लिए, ना कि शॉर्ट के लिए, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो एक बार मैं 15 मिनट्स का टाइम भी आपके लिए ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक लेवल है, अगर बाय चांस वो मेरी अकॉर्डिंगली नहीं वर्क करता और वो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो हम अपना बाय सेटअप ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों पॉसिबल सिनेरियो बताया। अगर तो ये नीचे 5-10 मिनट में जाना स्टार्ट कर गया, इग्नोर कर देना, या मिनिमल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कर सकते हो, बट अगर ये खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट करता है और इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आती है, देन वील गो फॉर लॉन्ग। ठीक है, तभी हम बाय के लिए जाएंगे। ठीक है, ये दो स्टॉक्स हो गए हैं। आवर लास्ट स्टॉक इज SBI। सो मैं SBI का डेली टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ। एंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट 430 से 545 तक की एक अप मूव रैली करी थी, इम्पल्स मूव करी थी। आफ्टर दैट इसने कंसोलिडेट करा। अगर मैं इसे अच्छे से बनाऊंगा तो इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा, आप देख रहे हो, एंड इट गेव अ वेरी गुड ब्यूटिफुल ब्रेकआउट टू द हाइस्ट लेवल ऑफ इट्स 580 रुपीज। अब ये दोबारा नीचे आया है, एंड दोबारा नीचे आने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, बट देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये कल बाउंस कर सकता है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने तो बोला भी निफ्टी बैंक निफ्टी में कि कल दोबारा एक गैप डाउन आ सकता है तो वो नीचे जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नीचे जा सकता है, मैंने कहा कि पास्ट डाटा जो अभी तक 2 बार रिपीट हो चुका है, शायद वो तीसरी बार भी हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटीज लेकर चल रहे हैं, जो कल ओपनिंग होगी वो डिसाइड करेगा, जो कल सस्टेनेबिलिटी होगी शुरुआत के 1 घंटे तक वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ टर्न अराउंड कर सकता है। ठीक है, हम पहले से ही जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं कि वही होगा जो हम बता रहे हैं। सो एक बार मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ, एंड आप देख सकते हो कि लास्ट आर के अंदर इन कैंडल्स के अंदर हैवी वॉल्यूम एडिशन हुआ है, हैवी वॉल्यूम एडिशन हुआ है, और ये अभी एक फॉलिंग वेज पे काम कर रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है 2527 के ऊपर, अगर ये निकलता है और वॉल्यूम सस्टेनेबल रहते हैं, तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, और एक अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। सो अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा, अगर कल मार्केट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्ट्रांग जाती है, हम लोग लॉन्ग करेंगे निफ्टी को और बैंक निफ्टी के साइड में हम लोग SBI को लॉन्ग करेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो, और एक हेजिंग के लिए हम बैंक निफ्टी का 1 या 2 लॉट शॉर्ट भी करके चल सकते हैं, बट अर्ली बुकिंग करते रहेंगे जिस तरीके से हम लोग देखते रहेंगे, वो हमारी स्ट्रैटेजी है जो हम कल बना सकते हैं। बट दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। प्राइस एक्शन बिहेवियर जो मैं बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजी यूज होती है बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा अगर वर्क कर रहा है अभी तक पास्ट में, जब से मैं वीडियोज दोबारा बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर वो अभी भी करता है तो मेक श्योर आप उसका फायदा उठाओ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर माय गाइस, एंड कल डेफिनेटली टेलीग्राम पे मैं वो चीज़ लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें, एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा बाय सैटरडे, जो आपको हेल्प कर सकती है चूज करने में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, आई विल मीट यू सून।